आपका अपना संजू और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल संजू क्रिएशन। तभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो है बेल आइकन का घंटी जो है उसको ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल संजू क्रिएशन पर आप सभी का फिर से। तो आज आपके लिए लाए हैं कुछ इस तरह का क्लासिक क्लास फंड, जैसे कि आप इंटरफेस में देख ही रहोगे फ्रेंड्स। इस तरह का आपको आज एडिटिंग करना सिखाएंगे, तो वीडियो पर जो है लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज की वीडियो की और विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हमको चले जाना है फ्रेंड्स अपने पिक्सल ऐप की, और पिक्सल ऐप में चले जाने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा फ्रेंड्स। देख सकते हो टेस्ट वाला जो है इसमें टू बार जो है प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर लिख लेना है हमको सोनी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद आपको नीचे देख सकते हो ये वाला आइकन मिलेगा, सेकेंड में इसको कर लेना है प्रेस। प्रेस करने के बाद आगे इंस्टॉल करने पर आपको साइज वाला ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली साइज को थोड़ा अप कर लेना है यानी बढ़ा लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको 152 के आसपास रख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद आपको आगे इंस्टॉल कर लेने पर फ्रंट वाला जो ऑप्शन मिल जाएगा सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। प्रेस कर लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो हमको डोनाल्ड वाला जो है इसका कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जो है जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद फिर से साइज वाले बैक ऑप्शन आ जाना है, साइज को कर लेना है हमको अप। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद इसको कर लेना है हमको लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में प्लस वाला जो आइकन है सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। प्रेस करने के बाद टेक्स्ट वाला आपको कर लेना है प्रेस। इतना कर लेने के बाद यहाँ पर लिख लेना है स्मॉल लेटर में ओ। ठीक है प्रेस, कितना कर लेने के बाद आपको ओके पे प्रेस कर लेना है। प्रेस कर लेने के बाद नीचे आपको आगे इंस्टॉल करना है। आगे इंस्टॉल करने के बाद देख सकते हैं साइज वाला ऑप्शन मिलेगा, साइज को सिंपली कर लेना है 2K अराउंड। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो फंड वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। प्रेस कर लेने के बाद इसका बिल इस फंड का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ से जो है जाकर आप सिंपली से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद फिर से आपको आ जाना है साइज वाले ऑप्शन पर और साइज को कर लेना है प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद आपको इस तरह का एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसको कर लेना है लॉक। ठीक है फ्रेंड्स, लॉक कर लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो वो कैपिटल स्मॉल लेटर में W लिख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद आपको आ जाना है बे फंट वाले ऑप्शन पर। फंट वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर बोनस वाला यानी हार्ट वाला जो है इसको कर लेना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हमको इसको साइज को अप कर लेना है, सिंपली साइज वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं और साइज इसका हम कुछ बढ़ा लेते हैं इस तरह का। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद इसका हम कॉपी लेयर बना लेते हैं। कॉपी लेयर बनाने के बाद राइट साइड में इसको कर लेना है हमको एडजस्ट कुछ इस तरह का। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद हमको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद फिर से इसका कॉपी लेयर बना लेते हैं। कॉपी लेयर बनाने के बाद इसको रख लेना है सिंगल। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद इसको जो है बीच में एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम कर लेते हैं एडजस्ट। इतना कर लेने के बाद फिर से कॉपी लेयर बना लेना है। कॉपी लेयर बनाने के बाद इस बार जो है राइट में आपको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद आपको वाले को जो है ये वाले को जो है एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह का। इतना कर लेने के बाद आपको नीचे में देख सकते हैं जो चौथे नंबर पर ये वाला नंबर मिल जाएगा इसमें कर लेना है सिंपली प्रेस। प्रेस करने के बाद देख सकते हो ट्रांसपेरेंट वाला जो ऑप्शन है सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। तो इसको हमको यहाँ से कर लेना है सेव। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद सेव इस इमेज वाले में ऑप्शन पर चले जाना है, सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। प्रेस करने के बाद देख सकते हो डिफॉल्ट वाला जो ऑप्शन मिल जाएगा इसमें से कर लेना है प्रेस। प्रेस करने के बाद यहाँ पर लास्ट में देख सकते हो अल्ट्रा वाला ऑप्शन है, इसके बाद आपको सेव टू गैलरी पर कर लेना है। तो यहाँ से हमको कर लेना है सेव। ठीक है फ्रेंड्स, और सेव सेव चेक करने के बाद आपको बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद आपको PSCC वाले में चले जाना है और इसमें कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा फ्रेंड्स। तो हमको चले जाना है एड वाले में, सिंपली से हम जिस पिक पर एडिट करने वाले हैं नाम उसको कर लेना है प्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर फोटो लाइब्रेरी में चले जाना है और इस पिक को हमको सेलेक्ट कर लेना है जिस पिक पर हम जो है एडिट करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेलेक्ट, तो ये मैंने कर लिया है सेलेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद यहाँ पर नीचे में देख सकते हो प्लस वाला जो आइकन मिलेगा सिंपली कर लेना है प्रेस। प्रेस कर लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन मिलेगा इसको दो बार जो है प्रेस कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं और बैक जहाँ पर हमने ट्रांसपेरेंट किया था पिक्सल ऐप से उसको कर लेना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह का एडजस्ट कर लेना है कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको कर लेते हैं एडजस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद आपको देख सकते हो ये वाला आइकन मिलेगा सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। प्रेस करने के बाद देखो प्लस वाला आइकन मिल जाएगा, तो सिंपली से प्लस वाले आइकन पर कर लेना है क्लिक। ठीक है फ्रेंड्स,
इतना कर लेने के बाद हम इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेना है, तो इसको हम दो बार जो है प्रेस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट नंबर पर रहकर आपको चले जाना है ये वाला आइकन पर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद हमको चले जाना है आपको इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर, इन्वर्ट वाले ऑप्शन पर। सिंपली इसमें चले जाने के बाद आपको नीचे देख सकते हो ये वाला जो आइकन मिलेगा, सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। प्रेस कर लेने के बाद देख सकते हो ये वाला जो आइकन मिलेगा, सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। प्रेस कर लेने के बाद नीचे में देख सकते हो नॉर्मल वाला जो ऑप्शन है, सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। प्रेस कर लेने के बाद यहाँ पर फाइव नंबर पर देख सकते हो स्क्रीन वाला ऑप्शन है, इसमें कर लेना है आपको सेलेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद आपको सेकंड लेयर पर आ जाना है। सेकंड लेयर पर आने के बाद आपको चले जाना है एक्स वाले ऑप्शन पर। एक्स वाले ऑप्शन पर चले जाने के बाद देख सकते हो ड्रॉप शैडो वाला जो ऑप्शन है, इसको कर लेना है हमको सेलेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद हमको देख सकते हो जो एंगल वाला ऑप्शन है उसको रख लेना है 135 के अराउंड। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसको कलर जो है ब्लैक रहने देना। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद ब्लर जो है 8 के अराउंड रख लेना है, और इसको डिस्टेंस को बढ़ा लेते हैं, यानी डिस्टेंस को रख लेना है हमको 5 के अराउंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हो एंगल आपको 135 के अराउंड था, और ब्लर ये जो है कलर जो है ब्लैक, और ब्लर जो है 8 के अराउंड, और डिस्टेंस जो है 5 के अराउंड। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद राइट पे क्लिक कर लेना है। राइट पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको बैक वही वाले ऑप्शन पर चले जाना है, तो मैं बता दे रहा हूँ ये वाला आइकन पर चले जाना है। और इसमें चले जाने के बाद फिर से नॉर्मल वाला ऑप्शन है, तो सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। प्रेस कर लेने के बाद आपको आ जाना है मल्टीप्लाई पर, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद आपको थर्ड लेयर पर आ जाना है। थर्ड लेयर पर आने के बाद आप फिर से एफएक्स वाले ऑप्शन पर चले जाना है। एफएक्स वाले ऑप्शन पर चले जाने के बाद इस पर हमको कर लेना है बेवल सेलेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद हमको बेवल सेलेक्ट कर लेना है। बेवल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ब्लर वाला हमको कर लेना है 21, एंगल कर लेना है हमको 145, और कलर जो है हमको कर लेना है ब्लैक, और डिस्टेंस कर लेना है हमको 16 के अराउंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, ब्लर जो है 21 के अराउंड है, और एंगल जो है 125 के आसपास है, और कलर जो है ब्लैक है, और डिस्टेंस जो है 16 के अराउंड है। उसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद हमको थर्ड लेयर पर रहकर जो है दोबारा और बेवल कर लेते हैं। तो चले जाते हैं हम एफएक्स वाले ऑप्शन पर। एफएक्स वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर बेवल वाला जो ऑप्शन है इसको दो बार जो है कंटिन्यू प्रेस कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद हमको इस तरह का कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद अपन नीचे आ जाना है ये वाले आइकन पर, सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। प्रेस कर लेने के बाद फिर से आपको चले जाना है नॉर्मल वाले ऑप्शन पर। नॉर्मल वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो थर्ड फोर्थ नंबर पर लाइट डाउन वाला ऑप्शन है, सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद आपको चले जाना है बैक फर्स्ट वाले लेयर पर। फर्स्ट वाले लेयर पर जाने के बाद यहाँ पर इफेक्ट्स वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसमें चले जाना है। चले जाने के बाद आप देख सकते हैं बीच में जो ग्लो वाला ऑप्शन है, सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। प्रेस करने के बाद यहाँ पर ब्लर को कर लेते हैं 1.6। ठीक है फ्रेंड्स, 0.6 इतना कलर का होता है, प्रेस कर लेना है, और इसको रेड को जो है कर लेना है हमको वाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कर लेना है हमको इतना। ठीक है फ्रेंड्स, इतना मैंने 1.06। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद राइट पर क्लिक कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद हमको आ जाना है सेकंड वाले लेयर पर। सेकंड वाले लेयर पर आने के बाद हमको कर लेना है कुछ इस तरह का जूम। जूम करने के बाद हमको इस तरह का सेलेक्ट कर लेना है, और सेकंड पर लेयर पर रहकर ही इफेक्स वाले में चले जाना है। इफेक्स वाले में चले जाने के बाद हमको स्टाइलिश वाले में आ जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद देख सकते हो हेल्प टोन वाले पैटर्न वाले में आ जाना है, और इसमें कर लेना है हमको इस तरह का सेलेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सेलेक्ट करने के बाद हमको कलर चूज कर लेना है, तो कलर हमको कुछ इस तरह का कर लेते हैं, और इसको कर लेना है हमको 10 के अराउंड। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद आपको देख सकते हैं सेकंड लेयर पर रहकर ही आपको इस तरह का सेलेक्ट कर लेना है, और फिर से हमको इफेक्ट्स वाले में चले जाना है, फिर से हमको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता है। तो मैं इसको कलरफुल कर लेता हूँ फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे बस आप भी करिएगा, आपको भी जो है एडिटिंग आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कर लेने के बाद हमको इसको कर लेना है कुछ अलग अलग कलर, तो मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आपको और बता दे रहा हूँ कि कैसा कैसा करना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमको कुछ इस तरह का कलरफुल इसको कर लेना है। इतना कर लेने के बाद फिर से हमको इसको कलरफुल कर लेना है। कलरफुल करने के बाद कुछ इस तरह का कलर दे देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद सेकंड लेयर पर रहकर फिर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह का कर लेना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद फिर से चले जाना है इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर। इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर चले जाने के बाद फिर से आपको ये वाला आइकन पर आ जाना है, और इस बार हमको कर लेना है कुछ रेड सेलेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद फिर से आपको इसी पर चले जाना है, यहाँ पर पिंक सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हमको येलो, और यहाँ पर कुछ अलग कलर दे देते हैं, तो हम इसको दे देते हैं रेड। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद फिर से आपको सेलेक्ट कर लेना है,
ये जो करना है फ्रेंड्स आपको जो है सेकंड लेयर से ही लेकर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना लेने के बाद फिर से आपको इस तरह का कुछ कर लेना है और इसको कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसको कर लेना है वो इस तरह का। ठीक है फ्रेंड्स, इतना लेने के बाद हमको दे देना है पिंक। इतना लेने के बाद आपको आ जाना है फिर से ये वाले पे, फिर से हमको दे देना है इसका पिंक। पिंक देने के बाद हमको इसको दे देना है कुछ येलो कलर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना लेने के बाद फिर से हमको दे देना है कुछ डिफरेंट कलर। इतना लेने के बाद फिर से आपको थर्ड वाले पे आ जाना है, इसको दे देना है पिंक। पिंक देने के बाद यहाँ पर हम इसको दे देते हैं कुछ इस तरह का। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा जैसे मैं करूँ बस वैसे वैसे आप भी करिएगा। फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बगल आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। फ्रेंड्स, तो हमको कुछ इस तरह का कर लेना है सेलेक्ट। तो ये जो कलरफुल कर रहे हैं फ्रेंड्स सेकंड नंबर से ही कर रहे हैं, सेकंड लेयर से ही। तो आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, स्टेप टू स्टेप फॉलो करना है, तभी आपको जो है एडिटिंग आ पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कर लेने के बाद हमको कर लेना है कुछ कलरफुल या रेड कर लेना है। रेड कर लेने के बाद इसको कर लेना है कुछ हमको डिफरेंट कलर, तो इसको लेना है रेड। रेड करने के बाद हमको कुछ इसको दे देना है ग्रीन। ग्रीन देने के बाद हमको कुछ डिफरेंट कलर फिर से देना है, तो हम इसको भी रेड कलर दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, निकल लेने के बाद हमको नीचे आ जाना है और इसको दे देना है रेड। रेड देने के बाद यहाँ पर हमको दे देना है ब्लू। अब हमको पिंक और यहाँ पर दे देना है हमको कुछ ये कलर और इसको दे देना है हमको रेड। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद हमको इसको इस तरह का कुछ कर लेना है। तो करने के बाद हमको जो हार्ट वाला है इसको भी कर लेना है हमको। तो ये जो कर रहे हैं फ्रेंड्स देख सकते हो सेकंड लेयर में ही रहकर कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी सेकंड लेयर से ही रहकर करना है। तो हम हार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से पिक्स वाले पे ऑप्शन पे आ जाते हैं और ये हाफ फ्रूट वाले में फिर से आ जाना है। हमको इसको कर लेना है रेड। रेड कर लेने के बाद हमको इसको दे देना है ग्रीन। रख लेने के बाद फिर से हमको दे देना है कुछ स्टाइलिश कलर, पिंक दे देते हैं। पिंक देने के बाद हमको इस बार येल्लो दे देना है। येल्लो देने के बाद हमको कुछ इस तरह का जूम कर लेना है। जूम कर लेने के बाद फिर से हम हार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। हार्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर से हमको इसको कुछ अलग कलर दे देते हैं, कुछ इस तरह का कलर दे दिया। उसके बाद आ देते हैं फिर से बैक और हमको इस बार दे देना है ऑरेंजी कलर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद हमको ये सिलेक्ट कर लेना है, तो इसमें हमको दे देना है ग्रीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रीन दे देते हैं। ग्रीन देने के बाद इसको हमको दे देना है रेड, तो हम रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दे दिए इसको रेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा। अभी तक मेरे चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको कर लेते हैं कुछ इस तरह का सेलेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेप टू स्टेप बनिए रहेगा, आप भी जब वीडियो एंड तक वॉच करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा जैसे मैं स्टेप टू स्टेप फॉलो कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी स्टेप टू स्टेप करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तभी जो आपको कलरफुल बनाना आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूरी नहीं है जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स वैसा वैसे आप भी करिएगा। मैंने एक बार आपको समझा दिया है कि किस तरह से आपको एडिटिंग करना है, तो उस हिसाब से आप जो है कलरफुल लगा भी सकते हो। अगर मेरे टाइप का सेम टू सेम स्टेप टू स्टेप फॉलो करोगे तो मेरे जैसा बनेगा, जैसे कि देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है इसको। हम अब ये तो कलरफुल हो चुका है फ्रेंड्स, अब जो बैक में जो साइड में है उसको कर लेना है हमको सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद सेकंड लेयर से आपको सेलेक्ट करना है और आ जाना है थर्ड लेयर पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो थर्ड लेयर पर आ जाते हैं और इस बार चले जाना है हमको ये वाला आइकन पर। इसमें चले जाने के बाद हमको आ जाना है फिल स्टॉक वाले ऑप्शन पर। स्टॉक वाले ऑप्शन पर आने के बाद देख सकते हैं नीचे में टाइप वाला जो ऑप्शन होगा ये वाला, सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। प्रेस कर लेने के बाद हमको नॉइस वाला ऑप्शन आ जाना है थ्री वाला, थर्ड वाला लेयर सेलेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसको कर लेना है ओके। इतना कर लेने के बाद आपको सेकंड लेयर चॉइस करना है। सेकंड लेयर चॉइस करने के बाद आपको देख सकते हो साइड में जो है इसको कर लेना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद फिर से थर्ड लेयर और फिर से ये वाला आइकन पर चले जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद फिर स्टॉक फिर से दे देना है। इतना कर लेने के बाद हमको फिर से सेकंड लेयर सेलेक्ट करना है। सेकंड लेयर सेलेक्ट करने के बाद साइड में जो है उसको फिर से सेलेक्ट कर लेना है और फिर से थर्ड लेयर और फिर से एंड वाला और फिर से फिल स्टॉक। ठीक है फ्रेंड्स, निकल लेने के बाद फिर से आपको सेकंड लेयर सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड लेयर सेलेक्ट करने के बाद इसको कर लेना है सेलेक्ट और फिर से थर्ड लेयर पर आ जाना है। थर्ड लेयर पर आने के बाद फिर से आपको ये वाला आइकन पर चले जाना है और फिर से दे देना है फिल स्टॉक। ठीक है फ्रेंड्स,
इतना कर लेने के बाद आपको फिर से चले जाना है सेकंड लेयर, सेकंड लेयर सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको साइड वाला सेलेक्ट कर लेना है, फिर से आ जाना है आपको थर्ड लेयर पर। थर्ड लेयर पर आने के बाद फिर से हमको ये वाले लेयर पर चले जाना है और इस पर चले जाने के बाद फिर से फिल स्टॉक दे देना है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना कर लेने के बाद सेकंड लेयर फिर से चले जाना है और फिर से हमको साइड वाला सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से थर्ड लेयर और फिर से आपको ये वाला आइकन पर चले जाना है। इसमें चले जाने के बाद फिर से आपको फिल स्टॉक दे देना है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो चुका है हमारा कुछ इस तरह का मल्टीप्लाई, जैसे कि आप देख सकते हो कलरफुल आपको बन चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना कर लेने के बाद आपको फर्स्ट लेयर सेलेक्ट रखना है। फर्स्ट लेयर सेलेक्ट रखने के बाद आप देख सकते हो नीचे में जो प्लस वाला आइकन है, सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। प्रेस कर लेने के बाद हमको इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना कर लेने के बाद लास्ट लेयर वाला जो आपको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना कर लेने के बाद हमको कर लेना है ओके। तो ये हमारा जो है बनकर हो चुका है रेडी फ्रेंड्स। तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। फिर का आपको जो आज एडिटिंग करना सिखाए हैं, तो हम इसको सेव करने के लिए फ्रेंड्स हमको चले जाना है। पहले तो यहाँ पर हमको एक पीएनजी सेट कर लेना है। पीएनजी सेट कर लेने के बाद फर्स्ट लेयर सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट लेयर सेलेक्ट करने के बाद हमको इस वाले आइकन पर आ जाना है। इस आइकन पर आकर आपको देख सकते हो फोटो लेयर वाला ऑप्शन है, इसको कर लेना है सिलेक्ट। तो हम इसको कर लेना है पीएनजी। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ से जाकर आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम ये सिलेक्ट कर लिए पीएनजी और इसको हम कुछ इस तरह से कर लेना है सेलेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। इतना कर लेने के बाद आपको ये वाले ऑप्शन पर चले जाना है। चले जाने के बाद हमको कर लेना है इसका कॉपी, ठीक है फ्रेंड्स। कॉपी लेयर करने के बाद फिर से हमको चले जाना है इसी वाला आइकन पर और फिर से हमको कर लेना है इस बार पेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। पेस्ट करने के बाद जो कॉपी किए थे वो जो है पेस्ट हो जाएगा हमारा। इतना कर लेने के बाद हमको नीचे कुछ इस तरह का सेलेक्ट कर लेना है और फिर से चले जाना है इस पर और फिर से हमको कर लेना है पेस्ट। तो इस तरह का कुछ हमको कर लेना है, इसको एडजस्ट, फिर से हमको चले जाना है बैक और इसको कर लेना है कॉपी। इतना कर लेने के बाद फिर से हमको बैक चले जाना है और फिर से हमको कर लेना है कुछ इस तरह का सेलेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। इतना कर लेने के बाद फिर से हमको चले जाना है बैक। बैक चले जाने के बाद हमको कुछ इस तरह का कर लेना है एडजस्ट और इसको कर लेना है हमको इफेक्ट्स वाले में चले जाकर कलरफुल, ठीक है, यानी टिंट दे देते हैं। टिंट देने के बाद हमको येलो कर लेना है। येलो करने के बाद हमको कॉपी कर लेना है इसका। कॉपी कर लेने के बाद हमको एक बार पेस्ट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। पेस्ट कर लेने के बाद आपको ये जो है लेयर बन जाएगा। तो हमको कुछ इस तरह का कर लेना है सेलेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। इतना कर लेने के बाद यह जो है बनकर हो चुका है रेडी हमारा फ्रेंड्स। तो इसको सेव कर लेने के लिए आपको चले जाना है डन वाले ऑप्शन पर। डन वाले ऑप्शन पर चले जाने के बाद यहाँ पर आ जाना है सेव, ठीक है फ्रेंड्स। इतना कर लेने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो इसको सेव कर लेने के लिए सिंपली हमको चले जाना है शेयर वाले ऑप्शन पर। शेयर वाले ऑप्शन पर चले जाने के बाद देख सकते हो सेव टू गैलरी वाला जो ऑप्शन है, सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। प्रेस कर लेने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो देख सकते हो जीपीएजी वाला जो ऑप्शन है इसको कर लेना है प्रेस। प्रेस करने के बाद पीएनजी वाला जो है इसको कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। इतना कर लेने के बाद देख सकते हो पिक्चर सेलेक्ट कर लेना है। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है ओके पे। तो यहाँ से हो जाएगा ये सेव फ्रेंड्स। तो देख सकते हो आज की इस वीडियो में हम इस तरह का आपको बनाना सिखाए हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर फ्रेंड्स। वीडियो को अभी तक जो है लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। टाटा, गुड बाय, टेक केयर।